बेस्ट पास बताऊं? क्यों लगवाई है ये लाइटें? ऐसा नजर आता देखो। गुड नून एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फिलहाल मैं जा रहा हूँ एज यूजुअल ऑफिस, बट कल से वीकेंड स्टार्ट है और ये है लॉन्ग वीकेंड। तो वी आर प्लानिंग टू गो टू आवर फार्म हाउस, आपको फार्म हाउस का भी टूर दे देंगे और इसी के साथ अपना वीकेंड वहीं स्पेंड करेंगे यार। और मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक माइक खरीदने की, एक वायरलेस माइक। अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो प्लीज़ आप इस वाले ब्लॉग में सजेस्ट कर लेना बिफोर आई मेक माई ओन फाइनल परचेज। गाड़ियाँ ना ऐसे लगा दी है क्योंकि तो दो चार गाड़ियाँ अभी और आनी है, तो पार्किंग बनाने पड़ेगी एक और। नए वाले घर में होपफुली पार्किंग ज़्यादा मिलेगी, होपफुली क्या ज़्यादा ही मिलेगी। चलते हैं भाई, आज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। हाँ भी हीरो, तेरा क्या हो उसका ए वाले का? कुछ नहीं कर रहा तू, बेवकूफ बना रहा। वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत सारे वो आ रहे हैं, फ्रेंचाइजी आ रही है, तो उनके ना यहीं पे सारे के सारे साइनेज बनते हैं। एज आई टोल्ड यू वी डू इट इन हाउस। ये कैसा लगता है आपको? इसमें थोड़े से ना आगे ग्रीन प्लांटर लगाएंगे यहाँ पे, थोड़े से इतने हाइट तक के ना, देखते हैं। यार बहुत ऑफिस में काम पेंडिंग है। तो भाई यहाँ तैयार हो रहा है अपना पैकमैन वाला हेलमेट। देखो भाई इतना इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें लगता है, लोमेल और में कहीं मजाक समझ रहे हो आप सब। अभी हेलमेट महंगे होते हैं पता है, सस्ता नहीं है, इतने सारी चीज़ें चलती हैं इसमें। इसमें जो आपको एक गोल सा लग रहा है ना, ये वाला पैकमैन जो फील्ड लग रहा है पूरा ऑरेंज वाला, ये ग्लो करता है और एनिमेट करता है। जैसे ये ऑन होगा ना मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आप ना बताना कि कैसा लग रहा है। अभी ये फाइनल फिनिशिंग वाले उसमें चल रहा है और इसकी अभी पॉलिशिंग भी बाकी है, मतलब फाइनल फिनिशिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की और फिर फिनिशिंग होगी पेंट की। तो इस पर क्लियर मारा था, उसके बाद हमारे को प्रॉपर सैंड करके ना इसको ग्लास मिरर लाइक फिनिश दे देंगे। बाकी देखो पूरा हेलमेट जो है इसी थीम पे, देखो। सो दिस इज डेडिकेटेड टू 80s किड्स। चलो आपको आज कार्बन फाइबर वाला स्टेयरिंग भी दिखा दें जो हमने थार के लिए बनाया है। कहाँ गया भाई स्टेयरिंग? जी ये रेडी है अपना ओरिजिनल कार्बन फाइबर स्टेयरिंग, ओरिजिनल कार्बन फाइबर मेड इन इंडिया। फिलहाल अभी इसमें ये स्टिचिंग होने के लिए जाएगा, तो हम इसमें अल्केंटारा स्टिच कराएंगे, फिर मैं आपको फाइनल फिटिंग करने के बाद इसका एक रील बना के दिखाऊंगा। इसमें थोड़ी देर बाद हम कस्टम एयर ब्रशिंग भी करेंगे। यहाँ पे ना वो विकास भाई का चैनल है ना एक्सप्लोर द अनसीन 2.0, वो डाल देंगे। भाई लंच कर लो, ये आई डोंट नो क्या है और ये भी आई डोंट नो क्या है, बट कुछ तो है खाने का, बढ़िया है, बढ़िया लग रहा है खाने। तो भाई ये जो है ना ये बेसिकली सॉलिड स्टेट रिलेज है। ये हमारा ना जो वहाँ पे गुड़गांव में स्टोर बन रहा है रेड कारपेट स्टोर, तो वहाँ पे जो हम बे लाइटिंग लगा रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के काम आएगा। तो उसमें क्या है हम इंडिविजुअल लाइट से ना पैटर्न बना सकते हैं, तो ये उसके लिए ना हम यहाँ पे इन हाउस ही डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि इस बॉक्स पे फिट होगा, इसी में फिक्स होगा नहीं। चलो ठीक है देखते हैं, ठीक है फिर। तो भाई आज हम एक ना पार्ट बनाया, उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको ना वैक्यूम फॉर्म करेंगे, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई देख रहे हो नीचे कितनी ट्यूबलाइटें लगी हैं, अरे ट्यूबलाइटें नहीं, आईआर लैंप है।
और ये हीटिंग करते हैं बेसिकली। तो अभी क्या करेंगे, वैक्यूम फॉर्मिंग कैसे करी जाती है कि ये एक पर्टिकुलर शीट को गर्म करेगा। कितने डिग्री तक ज़्यादा में आएंगे टेम्परेचर? सर ये जाता है 140-150 तक चला जाता है। वैसे तो 200 के लिए बना है डिज़ाइन, तो 200 हो जाएगा अगर हम करना चाहेंगे। हमने इतने पे सेट कर रखा है, बट हम 80-90-110 तक रखते हैं भाई। हम इसमें पीवीसी का एक पार्ट ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ट्रायल के लिए ना हम हमेशा ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हो और ईजिली वैक्यूम फॉर्म हो जाए। तो बेसिकली वैक्यूम फॉर्मिंग क्या होती है कि एक पार्ट का नीचे मोल्ड रखा जाता है और उसके ऊपर ना एक गर्म शीट करके और उसको दबा दिया जाता है, वैक्यूम कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से ना वो एक शेप फॉर्म ले लेता है, जो भी नीचे आपने डाई बनाई होती है, पार्ट रखा हो। तो इसमें ना हम बड़े से बड़ा मतलब बम्पर तक कर सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है हमारे पास। तो हमने ये प्रोटोटाइपिंग के लिए रखी है, प्रोडक्शन के लिए नहीं रखी हुई। तो जितने भी हमारे यहाँ पे प्लास्टिक के पार्ट्स बनाए जाते हैं ना, वो पहले प्रोटोटाइप होते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन में भेजते हैं। मशीन भी हमने कस्टम डिज़ाइन करवाई थी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अंदर हमारे पास एक बेड और है। अगर हमारे को कोई भी हॉट मेल्ट वाला, हॉट ग्लू वाला अगर कोई भी पार्ट किसी पे पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम ये वाला बेड यूज़ करते हैं, विच इज़ अ सिलिकन बेड। ये इसका नीचे कंट्रोल पैनल है, मैं आपको अंदर से ना वो व्यू दिखा रहा हूँ। ऐसा नज़र आता, देखो अंदर इस तरफ कहीं ना पार्ट रखा हुआ है और उसके ऊपर शीट रखी हुई है। तो अभी शीट गर्म हो रही है, तो आप देख रहे हो इतने छोटे से पार्ट के लिए भी इतनी बड़ी मशीन चलाने पड़ती है। चॉइस नहीं है ना हमारे पास, अभी लेंगे एक डेस्कटॉप वाली भी लेंगे। ये पार्ट ये देखो, पार्ट में शेप ले ली। तो बेसिकली ना ये जिमनी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, उसका एक ऊपर का कंसोल है, मतलब ऊपर का पार्ट है। तो हम कुछ डिज़ाइंस करके देखना चाह रहे थे। तो भाई अब ये पार्ट रिलीज कर दिया, ये बन गया अपना पार्ट। सक्सेस। तो यार जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं ना, मैं उनके लिए ना एक स्पेसिफिक वर्किंग कर रहा हूँ कि हम किस तरीके से कोलैबोरेट करके जो प्रोजेक्ट्स हमें लगेंगे कि हाँ इन प्रोजेक्ट्स में कैलिबर है, उनको हम आगे कैसे लेके आ सकते हैं, आप लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ना मैं एक वेब पेज डिज़ाइन करवा रहा हूँ अभी, ताकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो सके और आप अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सको। तो उस पर वर्किंग चल रही है, जिसको कंप्लीट होने में लगेंगे 1 हफ्ता से 10 दिन। और उसके बाद मैं व्लॉग में अनाउंस कर दूंगा कि आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेक श्योर बाय देन यू आर रेडी विद योर पिच, यू नो इन्वेस्टर्स पिच, कि आप अपने प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से रेडी कर लो और आप फिर उसको फॉर्म को फॉलो करके सारी डिटेल्स फिल कर देना। देन मेरी स्पेसिफिक टीम होगी जो आपको कनेक्ट करेगी और विल सेंड यू एन इनवाइट। सो इट विल बी एन ऑफिशियल इनवाइट, और उसके बाद हम एक काइंड ऑफ डिस्कशन करेंगे टू अंडरस्टैंड बेटर। इफ एवरीथिंग गोज़ वेल, विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर ड्रीम और योर प्रोजेक्ट। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, माई ब्रेक इज स्पेसिफिकली फॉर जिम। मैं अभी काम ख़त्म करके आया हूँ ऑफिस का, कुछ काम अभी भी पेंडिंग है। मैं जाके जिम करके फिर मैं ई मेल्स का रिप्लाई करूँगा, एंड देन आई हैव टू हेड टू गुड़गांव। स्टोर के जो काम हो रहे हैं नाउ दैट रिक्वायर्स मोर अटेंशन, बिकॉज फिनिशिंग टाइम पे ना और अटेंशन रिक्वायर्ड होती है। तो वो करके फिर सीधा आपको मिलेंगे कल। भैया वार्म अप हो गया, अब करेंगे आज हमारा बेसिकली आर्म्स का डे। तो आर्म्स के अंदर हम बाइसेप ट्राइसेप्स करेंगे, और उसके लिए हम 3-4 एक्सरसाइज के 15-15 या 20-20 के सेट लगाएंगे। I don't really need that, that's it, go. 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 I don't really need that,
so sick though. Really, I really need that, that sick though. Really, I really need that, 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 that. I really need that, that sick though. Really, I really need that, so sick though. Really, I really need that, that. ऐसा होता है जब आप एक कट मिस कर जाते हो, मेरे साथ तो ऐसा ही हो। फिलहाल अभी मैं जाम में फंसा हूँ मोतीबाग के पास और कोशिश कर रहा हूँ गुड़गांव पहुँचने की। ऑफिस से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया और मैं यहाँ पे जाम में फंस गया। पहले ये सोचा था पीछे से ना वसंत कुंज से होते हुए सीधा एयरपोर्ट वाले उस पर निकल जाता, बट फिर लगा कि यार सीधा ही चल लेते हैं। इंस्टिंक्ट तो ये कह रही थी कि वहाँ से जाना चाहिए था, लेकिन फिर लगा कि यार अब क्या राइट लेफ्ट लेंगे, सीधा ही चलते हैं, सीधे बंदे हैं ना हम, इसलिए। चलो पहुँचने में बहुत टाइम है तो मेरे को लगा कि आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेनी चाहिए। व्हाट्स योर फर्स्ट लव? माइन इज दिल्ली। मेरा दिल्ली पहला प्यार है और हमेशा रहेगा। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली का ही हूँ एंड आई एम रूटेड ओवर हेयर, और मैं कभी भी दिल्ली से मूव नहीं होना चाहता। बट हाँ, अभी इसलिए शिफ्ट हो रहा हूँ बिकॉज आई हैव शिफ्टेड माई ऑपरेशंस टू नोएडा, बट मैं दिल्ली में अपना घर रखने वाला हूँ। आई एम नॉट गोना सेल इट, इवन माई पेरेंटल हाउस इज इंटैक्ट, यू नो, आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड। ऑल दो आई लॉस्ट माई डैड इन अर्ली एज, तो आई वॉज 21 बाय देन, मैं 21 साल का था। एंड माई यंगर ब्रदर वॉज 10 ईयर यंगर टू मी, माई सिस्टर वॉज 5 ईयर यंगर टू मी। दैट वॉज अ वेरी टफ टाइम एंड टफ सिचुएशन। आई कुडंट क्राई, मैं रो नहीं पाया था। बट एनी वेज, लाइफ में यू नो, मैं हमेशा बोलना चाहता था ना, कभी भी लड़ाई झगड़ा होता ना, तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है, यू नो, बिकॉज आई नो माई डैड इज़ नो मोर विद मी, या आई मिस हिम अ लॉट। तो मैं जो भी हूँ ना अपनी लाइफ में, यू नो, जो भी मैं लाइफ में बना या कर रहा हूँ या आगे चल के करूँगा, यू नो, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई डैड। एंड यू नो, फॉर मी माई मॉम इज़ माई एवरीथिंग। रेस्ट मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। और ये विकास भाई लाइटों का प्रदर्शन करते हुए, क्यों लगवाई है ये लाइटें? अरे ऑफ रोडिंग जब जाएंगे इससे, रात को करनी है ऑफ रोडिंग? अच्छा, नाइट ऑफ रोडिंग कुछ प्लान कर रहे हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है विकास भाई, पता है इतनी रोशनी गलत है, अगले वाला चला नहीं पाएगा। अबे क्या कर रहा है? ये सिटी के लिए ठीक है नॉर्मल, और जब हम ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं, जैसे ये बंद कर दो, ये हेडलाइट है, ये हेडलाइट बस इतनी है, ठीक है, बट जब हम कहीं ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं और अंधेरा पैच है, अरे विकास भाई अंधे हो गए, इन्होंने ज्यादा लाइट मतलब ब्रूटल है ब्रूटल के बाद भी अगर कोई वर्ड आता है ना, वो वाला है, ब्रूटल है भाई। देखो यहाँ पे दो लाइट का सेटअप, वहाँ पे दो लाइट का सेटअप, देन दो हेडलाइट, और इसका कवर भी बनवा लिया। यार मैं ना अपने व्लॉग के नीचे के कमेंट्स पढ़ के और ज्यादा हैरान हूँ। बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग हुई है, किसी ने पार्किंग के 25,000 पे कर दिए, किसी ने पार्किंग के 70,000 पे कर दिए। ओके गाइस, इफ़ यू नीड एनी लीगल असिस्टेंस, एनी लीगल हेल्प, आप मेरे ये वाले व्लॉग के नीचे अपना कमेंट, अपना ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। वन ऑफ माय टीम मेंबर विल गेट इन टच विद यू, एंड इन केस इफ़ यू नीड एनी लीगल असिस्टेंस, माय लीगल टीम कैन हेल्प यू आउट, यू नो, वॉट एवर बेस्ट पॉसिबल वेज, किसी भी तरीके से जैसे भी हम हेल्प कर पाएंगे
आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करेंगे. मेक श्योर यू नो इट इज रिलेटेड टू कार एंड नॉट रिलेटेड टू एनी अदर थिंग यू नो. एक बेस्ट बात बताऊं इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, इन गाड़ियों के पीछे ना डॉग्स नहीं भागते. घर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि ट्रैफिक जाम था. एंड मैं आप सभी लोगों को ना थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से सपोर्ट और एनकरेज करते रहो ताकि मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बना सकूँ और आपको एंटरटेन कर सकूँ. अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.